हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 11 मार्च 2020। आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक पर डे की तरह रहेंगे। मोटिवेशन कोट रहेगा, वन लाइनर न्यूजेज रहेगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी, स्पेशल नॉलेज रहेगी। स्टेट में कल की तरह हम पश्चिम बंगाल को डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जीके में कल वाले क्वेश्चन रहेंगे। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स रहेंगे जो हम रिवाइज करेंगे कल वाले क्वेश्चन। देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। निगाहें लक्ष्य पर टिकाए बिना लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। अगर आपकी निगाहें इधर उधर है, निगाहें से मतलब आपका जो लक्ष्य है, जो आपने निर्धारित किया है कि हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना है और हमें ये बनना है, तो वह निश्चित है, तो आपकी जो लक्ष्य की प्राप्ति है वह संभव है कि वो सफल होगी और आप उसको प्राप्त भी करेंगे। पर आपका लक्ष्य विभिन्न है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है कि हमें अभी ये बनना है, अभी ये बनना है, अभी ये बनना है, तो फिर आपके लक्ष्य की प्राप्ति असंभव हो जाती है। इसलिए एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसी को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिएगा, तो आपको अवश्य सफलता मिल जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वन लाइनर न्यूज़ देखते हैं क्या रहेंगी। पहली न्यूज़ रहेगी जो रहेगी रक्षा से। रक्षा खुफिया विभाग के पहले महानिदेशक और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ इंटेलिजेंट के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल KS ढिल्लन। नेक्स्ट न्यूज है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2019 के अनुसार वर्ष 2015 में से वर्ष 2019 की अवधि में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो वो है सऊदी अरब और द्वितीय नंबर पे है भारत, जो कि हथियारों का आयात करते हैं। उसमें फर्स्ट नंबर पर तो सऊदी अरब है और सेकेंड नंबर पर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 से 2019 की अवधि में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो वो बना है रूस। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ जो रहेगी नेशनल न्यूज़ रहेगी, वह राज्य कौन सा है जो पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन के लिए देश में जो है प्रथम स्थान पर है? तो वो है आंध्र प्रदेश राज्य, जो कि पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन के लिए प्रथम स्थान पर आ गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद ने 8 मार्च 2020 को किस योजना की शुरुआत की जिससे उच्च विद्यालय में गुणवान लड़कियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित चुनने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा? तो वो योजना है विज्ञान ज्योति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शहर पुलिस कहाँ की है जो अफ्रीकी नागरिकों के लिए हेलो अफ्रीका डेस्क नामक एक विशेष शिकायत निवारण पेश कर रही है, निवारण जो मेज है वह स्थापित करेगी? तो वो है बेंगलुरु शहर पुलिस, पूर्वी बेंगलुरु में बानसवाड़ी में। ये क्या होगा कि जो अफ्रीकी नागरिक होंगे उसके लिए अफ्रीकी नागरिक डेस्क नामक एक मेज स्थापित करेगी उनकी शिकायत के निवारण के लिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज है ICC महिला T20 विश्व क्रिकेट में कौन विजेता बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो विजेता बनी है और भारत ने उसको हरा दिया है। ओके, मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो तो ICC T20 की विजेता है और जो हार गई है ऑस्ट्रेलिया से वो है हमारा भारत। ओके, नेक्स्ट न्यूज है हॉकी इंडिया किस वैश्विक संगठना के सदस्य के रूप में 38 अन्य सदस्य राष्ट्र संघों में शामिल हो गया है? तो वो है विश्व मास्टर्स हॉकी। ओके, नेक्स्ट न्यूज है हॉकी इंडिया मास्टर समिति के संयोजक कौन है? तो कप्तान RP सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया मास्टर समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो है हरविंदर सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भारतीय कौन है जो विश्व क्रिकेट 2020 की ICC महिला T20 प्लेइंग संघ में चुनी गई है? ओके, 11 संघ में चुनी गई, तो वो कौन है? तो वो है पूनम यादव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार सम्मेलन में ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के विजेता कौन बने हैं? तो वो बनी है रानी रामपाल, जो कि महिला वर्ग में है, और मनप्रीत सिंह जी जो हैं पुरुष वर्ग में विजेता बने हैं। किसके विजेता बने हैं? ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद गौरव जीवन गौरव पुरस्कार 2019 के विजेता कौन है? तो वो है हरविंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तीसरे हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार सम्मेलन में माइलस्टोन अवार्ड्स के विजेता कौन हैं? तो वो हैं दीप ग्रेस एक्का और कोथाजीत सिंह और सविता। अब ये क्या है कि जो तीसरे हॉकी इंडिया वार्षिक सम्मेलन में माइलस्टोन अवार्ड के विजेता बने हैं दीप ग्रेस एक्का, कोथाजीत सिंह और सविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2000 सम्मान के विजेता कौन हैं? तो वो हैं विवेक सागर प्रसाद पुरुष वर्ग में और लाल रेंसियामी महिला वर्ग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के विजेता कौन हैं? तो वो हैं रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस 2019 के गोल रक्षक के बलजीत सिंह पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो वो हैं कृष्ण वी पाठक। ओके, नेक्स्ट न्यूज है तीसरे हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार सम्मेलन में डिफेंडर ऑफ द ईयर के विजेता कौन है? तो वो है हरमनप्रीत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वित्त वर्ष 2020-21 के लिए तेलंगाना राज्य का कुल बजट कितना रहा है? तो कुल बजट रहा है 182914.42 करोड़ रुपए और राजस्व में रहा है 138669.82 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय अगर पूछ लिया जाए तो 22061.16 करोड़ रुपए रहा है। ओके, ये डेटा आपको याद रख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, फिर भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवमोग्गा के कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई धान की नई लाल किस्म का नाम क्या है? तो उनका नाम है सायद्री मेघा। ओके, अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई हैं उससे संबंधित सामान्य ज्ञान को देख लेते हैं। रक्षा खुफिया विभाग की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 2002 में रक्षा खुफिया विभाग की स्थापना हुई थी। पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो पोषण अभियान की शुरुआत हुई 18 दिसंबर 2017 को। नेक्स्ट जो है हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 20 मई 2009 को हॉकी इंडिया की स्थापना हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई? तो 15 जून 1909 में हुई। आदर्श वाक्य क्रिकेट फॉर गुड और मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो दुबई में है, UAE के अंदर दुबई आ जाता है। प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी बस 1988 में, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की, उससे पहले मैं आपको बता दूं आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर शेयर चैट अगर यूज़ करते हैं वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन वेबसाइट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आपको सारी PDF प्राप्त हो जाएंगी। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से अपनी नोट्स को अरेंज कर लेना है। ओके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको खबरी ऐप पर हमारा खबरी चैनल फॉलो भी करना है और वहाँ से ऑडियो रिवीजन आपको करना ही करना है। इससे दो फायदे हो जाएंगे, एक आप वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ याद रह जाएगा बहुत सारा, ठीक है, फिर उन्हें से नोट कर लेंगे, उसके बाद रिवीजन के तौर पर आप ऑडियो सुनेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ओके, तो आप ऑडियो ज़रूर सुनिएगा, 5 से 7 मिनट का होता है, मे बी 4, 5, 7 इस मिनट इससे ज़्यादा का नहीं होता है, तो आप उसे सुनिएगा, आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। ओके, अब बात करेंगे न्यूज़ की, तो नमस्ते पोर्टल नामक एक पोर्टल चलाया गया। तो क्या है नमस्ते पोर्टल? आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुष नीति और मानकीकृत शब्दावली इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल विकसित किया है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आयुर्वेद सिद्ध यूनानी चिकित्सा पद्धति के लिए मानकीकृत शब्दावली और रुग्णता प्रदान करता है। नमस्ते पोर्टल को दूसरे आयुर्वेद दिवस पर 17 अक्टूबर 2017 को लॉन्च किया गया था। पोर्टल का उद्देश्य आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी दवाओं के लिए शब्दावली और रुग्णता कोड का मानकीकरण है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है किशोरी स्वास्थ्य कार्ड। 6 मार्च को महिला और विकास मंत्रालय ने किशोरी लड़कियों के लिए किशोरी स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत कर दी है, जिसे आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा बनाए रखा जाएगा। इन कार्डों में किशोर लड़कियों के वजन, ऊंचाई, बॉडी मास इंडेक्स जानकारी एंड इंडेक्स जैसी जानकारी हो जाएगी। यह किशोर लड़कियों के लिए योजना के तहत प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में सभी जानकारी प्रदान करेगा। वर्तमान में 13 राज्यों में किशोरी हेल्थ कार्ड के उपयोग को लागू किया गया है। ओके, तो ये किशोरी हेल्थ कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की आयुष ग्रिड की। आयुर्वेद एक योग
और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय ने पारंपरिक औषधीय प्रणाली को बढ़ावा देने और सभी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं को आयुष से संबंधित सुविधाएं प्रदान करने के लिए 6 मार्च को एक डिजिटल मंच लॉन्च किया। आयुष ग्रिड का उद्देश्य सभी आयुर्वेद, योग और चिकित्सा यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी सुविधाओं को एक छत के नीचे अस्पतालों और प्रयोगशालाओं सहित एक साथ लाने का है, ओके, और स्वास्थ्य देखभाल की पारंपरिक प्रणालियों को बढ़ावा देना है। आयुष ग्रिड प्रारंभ किया गया है और इसे आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध होम्योपैथी मंत्रालय ने पारंपरिक औषधि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए सभी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं को आयुष से संबंधित सुविधाएं प्रदान करने के लिए 6 मार्च को डिजिटल मंच जो है लॉन्च कर दिया है। ओके, अब बात है नेक्स्ट न्यूज की। 2022 तक 17 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह विकसित किए जाने हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्ष 2020-22 तक 17 लाख स्वयं सहायता समूहों के विकास की घोषणा की। स्वय सहायताओं समूहों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं देश के कमजोर वर्गों का उत्थान करती हैं, जो बारी से कंधे से कंधा मिलाकर विशेष अधिकार प्राप्त करके साथ रहेगा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे देगा। अब स्वयं सहायता समूह विकसित किए गए, किन्होंने विकसित किए हैं? ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने विकसित कर दिए हैं। नेक्स्ट न्यूज है, पहली 5 दिवसीय खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन कर दिया गया है। तो कहाँ पर हुए हैं ये? 7 मार्च को जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू द्वारा पहले 5 दिवसीय खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन किया गया। यह आयोजन विभिन्न शीतकालीन खेलों जैसे स्नो स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग, स्की पर्वतारोहण, स्नो स्विंग, स्नो बेसबॉल आदि प्रतियोगिताएं आयोजित करेगा और 7 मार्च से 11 मार्च तक ये आयोजित किया जाएगा। तो अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो 7 मार्च को जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था। ओके, तो अब नेक्स्ट न्यूज है, लोकसभा ने खान और खनिज कानून विधेयक को मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने 6 मार्च 2020 को खान और खनिज कानून संशोधन है विधेयक को मंजूरी दे दी। विधेयक में कोयला खदानों की नीलामी में भाग लेने के लिए अंतिम उपयोग प्रतिबंधों को हटाने का प्रस्ताव है। विधेयक में कोयला खदानों की नीलामी में भाग लेने के लिए अंतिम उपयोग प्रतिबंधों को हटाने का प्रस्ताव है। यह सभी घरेलू और वैश्विक कंपनियों के लिए वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला क्षेत्र को पूरी तरह खोल देगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, वार्क ने दुनिया के शीर्ष एनजीओ के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। ओके, बांग्लादेश स्थित एनजीओ बांग्लादेश रूरल एडवांसमेंट कमेटी, जिसे बीआरएसी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, ने एक बार फिर से इतिहास दोहराया है और लगातार 5वें साल दुनिया के शीर्ष एनजीओ के रूप में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। ओके, बार्क की स्थापना बस 1972 में सर फजल हसन अवैध द्वारा राष्ट्र के अस्तित्व के आने के बाद तुरंत बाद की गई थी। इसे युद्ध शरणार्थियों को छोटे पैमाने पर राहत शिविरों में फिर से बसाने के लिए शुरू किया गया था। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, 40% से अधिक सरकारी स्कूलों में बिजली खेल के मैदान नहीं है, संसदीय पैनल ने ऐसा कहा है। वर्तमान में भारत में केवल 56% स्कूलों में बिजली है, जो सबसे कम मणिपुर और मध्य प्रदेश में है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन द्वारा आयोजित 2017-18 के सर्वेक्षण के अनुसार 57% से कम स्कूलों में ओडिशा और जम्मू कश्मीर में खेल के मैदान है, जिनका परसेंट 30 से भी कम है। ओके, अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की। अब इसमें देखेंगे न्यायिक प्रमुख कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कौन है? शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, जो कि 47वें नंबर के हैं। महान्यायवादी अगर पूछ ले जाए, मतलब कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल हैं। महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी। अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदर्श कुमार गोयल जी। निर्वाचन आयोग के में देख लेंगे कौन कौन मुख्य हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी, जो कि 23वें नंबर के हैं। चुनाव आयुक्त हैं अशोक लवासा और सुशील चंद्र जी। उप चुनाव आयुक्त हैं चंद्रभूषण कुमार जी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं राजीव महर्षि जी, जो कि 13वें नंबर के हैं। महालेखा परीक्षक अगर पूछ लिए जाए, तो वो हैं सोमा राय बर्मन। ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये
अभी नियुक्त हुई हैं। स्टेट में पश्चिम बंगाल को कल की तरह डिस्कस कर लेंगे। स्थापना 26 जनवरी 1950 को ही, राजधानी कोलकाता है, सबसे बड़ा शहर कोलकाता है, राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, राजकीय पक्षी बारनुल्लू है, राजकीय पशु जो है भारतीय हाथी है, जिला 23 है, विधानमंडल 1 सदनात्मक है, यहाँ की विधानसभा की सीटें 295 है, लोकसभा की सीटें 42 हैं और राज्यसभा की सीटें जो हैं 16 हैं। भाषाएं यहाँ की बंगाली और अंग्रेजी हैं। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसके पड़ोस में सिक्किम, नेपाल और भूटान है, असम, बांग्लादेश, ओडिशा और झारखंड और बिहार इसके नियरेस्ट राज्य हैं। ओके, प्रमुख नदियाँ भागीरथी, दामोदर और हुगली कही जाती है। दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि बाघ को संरक्षित करता है, पश्चिम बंगाल में मिलेगा। जल्दापारा अभयारण्य भी पश्चिम बंगाल में ही अवस्थित है। प्रमुख त्यौहार अगर पूछ लिया जाए तो दुर्गा पूजा और काली पूजा वहाँ की प्रमुख पूजा है, प्रमुख त्यौहार है। प्रमुख लोकनाट्य यात्रा, लोकनाट्य वहाँ पर प्रमुख लोकनाट्य। हवाई अड्डे में नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पूर्व नाम दमदम हवाई अड्डा, और दमदम लेक भी यहाँ पर मिलती है। ओके, प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, मक्का, जौ, पटसन और चना और मटर। प्रमुख पर्वत हिमालय और शिवालय के। प्रमुख शोध संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र में राष्ट्रीय एटलस एवं विषयक मानचित्रण संगठन कोलकाता में है। बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बिरला प्लेटेरियम है, सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यहाँ पर ही अवस्थित है। पर्यटन स्थल अगर पूछ ले जाएँ तो विक्टोरिया मेमोरियल, जूलॉजिकल गार्डन, कालीघाट, टाइगर रिहिल, शांति निकेतन, दक्षिणेश्वर एवं बेलूर मठ, हावड़ा ब्रिज, राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं जैन मंदिर जो है पर्यटन स्थल हैं पश्चिम बंगाल के। राष्ट्रीय पुस्तकालय कई बार पूछा गया तो ये कोलकाता में है। ओके, स्टडी जीके में फलों के शीर्ष उत्पादक राज्य पूछ लिए जाएंगे तो आम का जो उत्पादन होता है किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है तो वो उत्तर प्रदेश में होता है। केले का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, अंगूर का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, अमरूद का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में होता है, काजू का उत्पादन केरल में होता है, आंवले का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, पपीते का उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश में होता है, नारियल का उत्पादन केरल में होता है, अनार का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, संतरे का उत्पादन जो है महाराष्ट्र में होता है, सेब का उत्पादन भी जम्मू कश्मीर में होता है, नाशपाती का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है, लीची का जो उत्पादन होता है वह भी बिहार में हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ओके, एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वह कौन से देश की है, तो वो है अमेरिका की। ओके, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जी अभी हमारे भारत आए हुए थे मोटेरा स्टेडियम में गुजरात के, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। जब आए हुए थे तो उन्होंने 3 बिलियन की MOU साइन भी किए हैं, तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेलेनिया ट्रंप के साथ आए हुए थे, इवांका ट्रंप के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी आशापूर्णा देवी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसे है, तो उच्च न्यायालय को। थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से श्रावित होता है, तबटू ग्रंथि से श्रावित होता है। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है, तो अडयार में। न्यूटन का प्रथम गति नियम किसको परिभाषित करता है, तो बल को परिभाषित करता है। कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था, 1907 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे ब्योमोश चंद्र बनर्जी। ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो अजमेर में है। प्रयाग प्रशस्ति लेख को किसने लिखा था, तो हरिसेन जी ने लिखा था। राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो राज्यपाल के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। हमने इसमें बहुत कम स्टैटिक पोर्शन डिस्कस किया है बिकॉज कल होली थी, तो आज बहुत ज़्यादा कंटेंट तो हमने रख दिया इसमें, तो बहुत ज़्यादा समझा नहीं पाया है। तो आप कंटेंट पे फोकस कीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा लास्ट क्लासेस का, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। ओके, पढ़ते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने सपनों का और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। जुनून के साथ हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। एंड
आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शेयर चैट और डेली मोशन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, और आपको खबरी ऐप पर फॉलो भी करना है, वहाँ से ऑडियो रिविज़न भी कर लेना है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात भी है और रिक्वेस्ट भी है कि आप वहाँ पर फॉलो भी करें और ऑडियो भी सुनें, आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। ओके, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर लें जिससे भी आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा, सारी क्लासेस का नोट्स आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।